मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटा, हमारा चैप्टर 17, ये इस बुक का हिंदी सेकंड का हमारा लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हम भारत एक खोज आपकी बुक है उसे शुरू करेंगे। तो चैप्टर 17, पद बंध तथा वाक्य विचार। क्या है पद बंध और क्या है वाक्य विचार? देखिए, पद बंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ, अर्थात वाक्य का वह अंश जिसमें एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं उसे पद बंध कहते हैं। पद बंध क्या शब्द होता है बेटा? आपका एक कोई भी शब्द है, जब वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, व्याकरणिक कार्य करने लगता है, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे विद्यालय आपका एक शब्द है, लेकिन मैं विद्यालय जाती हूँ, अगर वाक्य में प्रयोग करोगे आप तो इसमें व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है। ये मैं विद्यालय जाती हूँ, वे विद्यालय जाते हैं, वह विद्यालय जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सर्वनाम विशेषण क्रियापद, ये सारी चीज़ें नियमों में जब शब्द बंध जाता है उसे पद कहते हैं। जैसे मेरी छोटी बहन पांचवी कक्षा में पढ़ती है, मेरी छोटी बहन पांचवी कक्षा में पढ़ती है, रोहिणी ने कल ताजे भुट्टे खरीदे। इन वाक्यों में रंगीन पद समूह एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं, ये पद बंध है। जो शब्द है वो व्याकरण के नियमों में बंध कर जब व्याकरणिक रूप से कार्य करते हैं उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध है वो पांच प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले देखिए संज्ञा पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर एक संज्ञा का कार्य करते हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर एक संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे मेरे बड़ौदा वाले चाचा जी आजकल दिल्ली आए हुए हैं, सूरदास द्वारा रचित गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। सूरदास जी द्वारा रचित गीत, जो सूरदास जी द्वारा रचित गीत है वो संज्ञा, सूरदास जी संज्ञा है, बड़ौदा संज्ञा है और ये सारा संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम पदबंध, जब अनेक शब्द मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे कक्षा में शरारती छात्रों में से कुछ आज अनुपस्थित है, कक्षा में शरारती छात्रों में से कुछ आज अनुपस्थित है, कठिनाई का सामना करने वाले तुम आज इतने निराश क्यों हो, मेरे परिचित लोगों में से कोई भी यहाँ दिखाई नहीं देता है, इतना योग ध्यान करने वाले आप कैसे बीमार पड़ गए हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, जो संज्ञा शब्द है वो पदों में बंध कर व्याकरणिक नियमों में बंध कर कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। सर्वनाम शब्द है, बहुत सारे सर्वनाम शब्द मिलकर है, कुछ एक से ज़्यादा अनेक सर्वनाम शब्द मिलकर व्याकरणिक रूप से कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। आगे देखिए विशेषण पदबंध, जब कोई पद समूह संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम प्रयोग हो गए उनकी अगर विशेषता बताते हैं वो विशेषण तो कहलाते हैं, लेकिन व्याकरणिक नियमों में बंध कर कार्य करते हैं वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। नृत्य तथा संगीत जानने वाले बच्चों को ही नृत्य नाटिका में लिया जाएगा, नृत्य तथा संगीत जानने वाले बच्चों को ही नृत्य नाटिका में लिया जाएगा। मेरी खोई हुई घड़ी अचानक घर में मिल गई, मेरी खोई हुई घड़ी अचानक घर में मिल गई, पिंजरे से छूटकर भागे हुए भालू को लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा, दया करने वाले लोग किसी का कष्ट नहीं देख पाते। विशेषण पदबंध क्या है आपका? जब कोई पद समूह पदों का जो समूह है, एक से अधिक पद जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो उन्हें विशेषण पद समूह कहते हैं। क्रिया पदबंध, जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करते हैं उन्हें क्रिया
पदबंध कहते हैं, जैसे सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, मैं साइकिल से गिरते गिरते बच गया, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, राहुल कहानी सुनते सुनते सो गया। उसके बाद है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। पिछले 2 घंटे से वर्षा हो रही है, वह दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है, बिना विचारे कोई कार्य मत करो, धीरे धीरे चलकर भी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। आगे देखिए बेटा, पदबंध वाक्यांश की तरह होते हैं, वाक्य नहीं, जो पदबंध है वो वाक्य का अंश होते हैं, पूरे वाक्य नहीं होते। पदबंध में एक से अधिक पदों का योग होता है जो आपस में जुड़े, एक पद नहीं होता। पदबंध जो है पदों का बंध मिलकर बना हुआ, पद शब्द ही होते हैं लेकिन व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं तो वो पदबंध का कार्य करते हैं, और पदबंध है वो एक शब्द पद ना होकर अनेक पदों का योग होता है उसमें। वाक्य सेंटेंस क्या है? वाक्य वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द, पहले वर्ण होंगे, वर्णों से शब्द, शब्दों से पद, और पदों से मिलकर वाक्य बनता है। परंतु वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम तथा निश्चित अर्थ होता है, अव्यवस्थित शब्दों के क्रम को हम वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य क्या है? भाषा की महत्वपूर्ण इकाई क्या है? महत्वपूर्ण इकाई है जो भाषा की, वाक्य है वो। सबसे पहले वर्ण, वर्णों से आपके शब्द, और शब्दों से आपके है वो वर्ण, वर्णों के मेल से शब्द बनते, और शब्दों और पदों के मेल से वाक्य बनता है। लेकिन ऐसे ही कोई वर्ण या शब्द उठाकर वाक्य नहीं होता, शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध, कोई भी चीज़ है सुव्यवस्थित होनी चाहिए और क्रमबद्ध। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध क्या होती है? जैसे आप एक अलमीरा ले लो, उस अलमीरा के आप पार्टीशन कर लो, उसे अलग अलग भागों में डिवाइड कर लो, और आप क्या करो, मैं ये कह दूँ इसको सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से लगाओ, इसमें आप अपने बुक्स रख दो, इसमें आप अपने जो है कपड़े हैं वो रख दो, इसमें आप अपने कोई और ज़रूरत का सामान रख दो, इसमें ये अलग अलग चीज़ें हैं आपकी, इसमें कलर रख दिए, पेंसिल बॉक्स रख दिए, ये सारी चीज़, कहीं शूज रख दिए, ये आपका क्रम, ये आपका तरीका है वो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध, सही तरीके से व्यवस्था करके। तो अभी आपको कहेंगे कि कपड़े लेके आओ तो आप इसमें जाओगे, शूज लेके आओ तो आप यहाँ से उठाओगे, लेकिन आप ये तो नहीं ना कि शूज यहाँ शूज रखें इसी में आप यहाँ बुक रख दो, यहाँ कपड़े रखें इसमें आप शूज रख दो, इस तरीके से ये सुव्यवस्थित क्रमबद्ध नहीं है। सही तरीके से सही जगह, किचन का सामान किचन में, बेडरूम का सामान बेडरूम में, और स्टडी रूम का सामान स्टडी रूम में, अलग अलग तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से। तो उसी तरीके से जो वर्ण है, शब्द है, उनका क्रमबद्ध सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से उन्हें लगाना ही आपका शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पौधे खिला फूल में है, एक घर सुंदर है बहुत हमारा, इन शब्दों में के क्रम से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये शब्द समूह तभी सार्थक वाक्य बनते हैं जब इन शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाए, सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाए। जैसे ये है शब्द तो ये भी है लेकिन ये सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका नहीं है। पौधों में एक फूल खिला है, ये है आपका सुव्यवस्थित क्रमबद्ध। कहाँ संज्ञा, कहाँ सर्वनाम, कहाँ पद है, कहाँ वाक्य है, कहाँ क्रिया है, सब तरीके से। हमारा घर बहुत सुंदर है, शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक शब्द को, समूह को, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित सही तरीके से और सार्थक, जिसका सही अर्थ निकले, ऐसा समूह वाक्य कहलाता है।